श्रीराम समर्थ December 14। नाम लेते समय मन में केवल परमेश्वर ही होना चाहिए। सचमुच भगवान हमसे प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। वह प्रेम भीतर से आना चाहिए, किंतु परमेश्वर के बारे में सच्चा प्रेम ही हम में निर्माण नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। हमसे परमेश्वर को प्रेम से पुकारते ही नहीं बनता, तो फिर वह पुकार उन्हें सुनाई भी कैसे पड़ सकती है। सहवास से प्रेम बढ़ता है। रेलगाड़ी के 4 घंटे के सहवास से यदि प्रेम उत्पन्न होता है, तो नामस्मरण से प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा। देह से अनेक जन्मों का सहवास होता है, इसलिए देह के प्रति गहरा प्रेम पैदा होता है और देह बुद्धि होती है। नाम का सहवास भी बहुत करना चाहिए, जिससे विषय की और देह की आसक्ति कम होगी और नाम के प्रति प्रेम पैदा होगा। पत्नी बच्चों के प्रेम के लिए हम कितना त्याग करते हैं, फिर परमेश्वर के शाश्वत सुख के लिए हम क्षुद्र वासनाओं का त्याग क्यों न करें। नाम लेते समय हमारे मन में केवल परमेश्वर ही होना चाहिए। दूसरी किसी भी वृत्ति उठना ठीक नहीं। वही सच्चा नाम स्मरण होता है। विकार मूलतः त्याज्य नहीं होते, वे तो भगवान ने ही दिया है, इसलिए जीवन में उनका योग्य स्थान निश्चित होगा ही, अपितु व्यवहार में उनकी जरूरत है। किंतु विकारों पर हमारा नियंत्रण रख कर अपने वश में रखना चाहिए, विकार हमारे ऊपर हावी न हो। मान लो रामदाना और मूंगफली के दाने मिल गए हैं, उन्हें अलग करना हो तो एक को निकाले तो दूसरा अपने आप बच जाता है। फिर उनमें जो निकालने में आसान होते हैं उसे हम निकालते हैं। उसी प्रकार जो लेने में आसान है वह भगवान का नाम हम लेते रहे तो विषय अपने आप अलग पड़ जाएंगे। दाने बीन कर निकालने में थोड़ा सा रामदाना भी यदि लगा रहे तो उसे हम झटकार देते हैं। उसी प्रकार भगवान के अनुसंधान में अनचाहा विषय थोड़ा तो आ ही जाता है, किंतु हम उसका रुचि से उपभोग न ले तो वह बाधक नहीं होगा। सब संतों का कहना एक ही है और वह है कि तू भगवान का अनुसंधान बनाए रख, जिससे तुझे सत्य का ज्ञान होगा। भगवान के अनुसंधान का अर्थ यह है कि और बातों की चाहे उपेक्षा हो जाए, किंतु परमात्मा का विस्मरण नहीं होना चाहिए। भगवान का अनुसंधान कौन कैसा रखे इसका कोई नियम नहीं है। कोई पूजा करके करेगा, कोई भजन करके करेगा, कोई नामस्मरण करके करेगा, कोई मानस पूजा करके करेगा, तो कोई चित्रकला का अभ्यास करके भी करेगा। तो भगवान का अनुसंधान हमारा ध्येय हो और शेष बातें उसके अनुसार उचित ढंग से हो। आज का मुख्य विचार, मुख में अखंड राम नाम, भीतर हो अनुसंधान, इसी को परमार्थ जानो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।